क्या कर रहे हो कूड़े में? कूड़े में क्या कर रहे हो इधर? छुपने के लिए तो देख इसमें है क्या है? अरे लोग काम है तो अरे चुप सकते हैं, कोई गलत काम करके चुप सकते हैं। हाँ जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग एक्सट्रीमली फाइन। तो सीन कुछ ऐसा भैया, संडे हो रखा है आज, और आज थोड़ी हमने छुट्टी मार ली पढ़ने लिखने की, क्योंकि छह दिन बढ़िया लगातार पढ़ते हैं, एक दिन की छुट्टी मार ली हमने। रखा भी है ये फजलू का रोजा है तो थोड़ा ज़्यादा मतलब फेंकता है आजकल, ज़्यादा चिड़चिड़ा सा रहता है। हाँ तो सीन ये कुछ ऐसा है, अमोल और फजलू निकले थे घूमने, तो मेरा भी मन किया तो पास्ता वास्ता खा गए मस्त, आज फ्लाइट की सफाई की, तो आज निकल गए हम थोड़ा सा भैया घूमने, क्योंकि हम नहीं निकलते वैसे ज़्यादातर घूमने, पार्क से मैं आ गए, पहली बार मैं आया हूँ। अब ये अमोल और ये तो घूमते रहते हैं, दो तीन घंटे घूम रहे हैं तो। और आज भाई साहब अंडर सेटिंग करके आया हूँ, फजलू की शर्ट है ये, फजलू बोल रहा है कि साले क्यों पहन के आया, मतलब कैमरे में नहीं लिया, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है इन लोगों को, मेरी 5,000 की शर्ट है ये। फजलू कौन सी कंपनी की है, कौन सा हुसैन है, हैं ये बता दे। ऑफ कैमरा साला बहुत बहुत फेंकता है, मेरी 5,000 की शर्ट है, सूट वाली है, मैंने कोई दिक्कत नहीं, धो दूंगा साले। हाँ तो मैं क्या कहने वाला था कि आज हम भैया तो कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाले किर्गिस्तान के बारे में जो तुमने यहाँ पे सुनी नहीं होगी, बहुत इंडिया से बहुत अलग है, बहुत वियर्डेस्ट थिंग जो बोली जाती है किर्गिस्तान की, 8-10 चीज़ें, 8-10 बातें मैं तुमको बताने वाला हूँ। तो जरा थोड़ी जगह देख ले बैठने की, फिर माइक सेटअप करके कैमरा वैमरा सेट करके फिर बताते हैं आपको कैसा क्या सिस्टम रहता है। और फजलू हाउ यू फीलिंग? आई एम गुड, आई एम गुड। फजलू भाई साहब कैमरा सही हो गया, बिल्कुल अवॉइड करता है साला। तो भाई हमको ना जगह नहीं मिल रही है बनाने के लिए वीडियो, तो अभी हम सोच रहे हैं, फजलू बोल रहा है नीचे आलती पालती बाहर के बैठ जाओ, इधर ही बना लो वीडियो, इस पत्थर के बैठने की सोच रहे हैं, अगर कोई जगह नहीं मिलेगी तो इधर ही वीडियो बनाएंगे। पहलू ऐसा नहीं, मुझे पत्थर कौन सा दे रहा, देखियो तू उस पत्थर पे। पहलू तो सही आएगा इस पत्थर पे। पहलू ने अपने जैसे पत्थर देखा, दे ओ खुद की साइज का पत्थर, भाई बहुत देर मशक्कत करने के बाद हमने जगह ढूंढ लिया, अब इधर वीडियो बनेगी, अब तुम देखना वीडियो कैसे आने वाली। ओम फो क्या सीट है बे, मस्त है, इधर बनेगी ठीक है। अच्छा एक मिनट ही तो पकड़नी है, आजा आधे घंटे में चल चलेंगे आजा। भाई फजलू नाराज हो रखा, कहते इसकी शर्ट पहन के आ गया हूँ, साला नो कह रहा है कि कैमरा नहीं पकड़ूंगा, वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैंने कहा कि इधर बैठ जा बस, इधर से बैठ के और मैं उधर बैठ जाऊंगा, बोलता जाऊंगा, कतई वो हो रहा मना कर रहा, कतई आ जा यार, अब मनाना पड़ेगा लगता है, गोल्डन का वो देखे इसको झांसा, बुलाता हूँ अभी DSP फजलू सिंह चौधरी। DSP लग रहा है साला, थानेदार नहीं DSP हूँ मैं। अरे यार बना ले तो यार। तो हाँ जी दोस्तों, मैं बताने वाला हूँ आज कुछ ऐसी चीज़ें किर्गिस्तान के बारे में जो इंडिया से बिल्कुल ही अलग लगती है, मतलब कि यहाँ के जो रहन सहन कल्चर मान लीजिए, यहाँ का माइंडसेट मान लीजिए, बिल्कुल अलग लगता है। और कुछ ऐसी चीज़ें भी है मतलब बिल्कुल अटपटी सी लगती है। तो पहला नंबर आता है कि यहाँ पर जो रेट्स हैं कपड़े सिलाई के टेलरों के, वैसे तो मैंने दूसरी वीडियो में बता दिया गया था, लेकिन यहाँ पर जो एक जो सिलाई की जो रेट होती है कम से कम 200-150-300 के लगभग होती है सूम पर, जैसे कि पैंट कटाना अपन को, जैसे कि थोड़ा सिलवाना है, इतना ही सिलवा लो भले ही 100 रुपये ले लेते हैं साले आगे लोग। और तो पहले ये बात बिल्कुल अजीब लगती है इंडिया में कि 20-50 रुपये में पूरा सब कुछ सिल के बढ़िया दे देते हैं, तो यहाँ के लोगों के पता नहीं कैसा क्या सिस्टम है, क्या पता बाहर से मशीन आती हो, जो भी। पहला ये चीज़ मेरे को बिल्कुल अजनबी सी लगी इंडिया के हिसाब से। तो दूसरी चीज़ें बताता हूँ, जैसे कि यहाँ की जो सुबह सुबह की भाई सब क्लास बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। इंडिया में तो क्या होता है 9-10 बजे से स्कूल चालू होते हैं, कॉलेज चालू होते हैं, वैसे भी 8-7 बजे से होते होंगे, लेकिन यहाँ का नियम है भाई सब तुमको ना 7 बजे से कतई क्लास लेट होते ही नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि बुढ़े लोग हैं, बच्चे लोग हैं, सुबह 7 बजे हम क्लास जाते हैं, सुबह 7 बजे सब कुछ खुल जाता है इधर, ऐसा नहीं है कि 9-10 बजे तक खुलता रहता है इधर। और जैसे कि हाँ इंडिया में क्या होता है अपने कि सुबह सुबह निकलते साल नहा धो के नहीं निकलते, कहीं कहीं गीड़ लटक रही है किसी कुछ होते हैं, यहाँ पर 7 बजे अगर तुम लोगों को देखोगे ना बड़ा ऐसा फील कर ऐसा लगता है यहाँ के लोगों को जान कोई नहा धो के बढ़िया मेकअप वेकअप करके भी निकलते हैं 7-8 बजे भी, वो बिल्कुल फ्रेश रहते हैं सुबह सुबह। अपने इंडिया की तरह नहीं है कि कैसे ही उठ के चल दिए साले कुछ भी, अब मुँह भी नहीं धोया। हाँ एक और ऐसी चीज़ मैं बताता हूँ जो बिल्कुल ही इंडिया से बिल्कुल अलग है, जो इंडिया में इसको कोई जानता ही नहीं है।
पूरी दुनिया से लगे सोवियत कंट्रीज में ही है सिर्फ ये जो बोलते हैं अपन की जो कॉलेज में रखते हैं ना जचोद वीक जचेत बोलते हैं वैसे तो जचोद जचोद वैसे बोल रखा अपन ने तो जचोद वीक पूरी सोवियत पूरी इंडिया पूरे मतलब पूरे वर्ल्ड में नहीं है सिर्फ सोवियत कंट्रीज में है। जैसे कि इंडिया को लोगों को पूछे तो वो मानेंगे नहीं कि जचोद वीक होता क्या है जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं क्लियरेंस वीक बोलते हैं जैसे जितनी भी सारी एब्सेंट वगैरह है जो एग्जाम से पहले सब कुछ क्लियर करना होता है उन सबको तो ये भी एक अलग ही मतलब कि वियर्डेस्ट थिंग है जैसे कि अपने इंडिया से आए अपन को पता ही नहीं क्या होता है क्या नहीं होता तो ये भी है कि मैंने सोचा कि एक पॉइंट है इसको भी ऐड कर दूं और भी ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जो तुमको मैं बताऊंगा भाई साहब बिल्कुल अलग है तो मुझे सोचा कि हाँ ऐसा भी होता है कि किर्गिस्तान में किर्गिस्तान मतलब कि जो भी सोवियत कंट्रीज है सिर्फ रशिया वगैरह आर्मेनिया कजाकिस्तान किर्गिस्तान यूक्रेन वगैरह ये सब में तो अगला पॉइंट बोलता हूँ फिर एक और ऐसा पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही अजीब लगेगा तुम लोगों को यहाँ के हिसाब से मतलब इंडिया के हिसाब से जैसे कि अपन इंडिया में क्या रहता है कि दोस्त दोस्त होते हैं दो लड़के होते हैं आराम से हाथ डाल के कंधे पर डाल के या फिर हाथ पकड़ के चलते हैं तो जैसा कि ये बहुत गहरी दोस्ती मानी जाती है लेकिन जो इंडिया से बाहर है बिल्कुल सारे देशों में इंडिया पाकिस्तान वगैरह छोड़ के बांग्लादेश नेपाल इनको छोड़ के जो इंडिया से बाहर जो भी कंट्रीज़ हैं और सारी जैसे सोवियत कंट्रीज यूरोप वगैरह में ऐसा कल्चर बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर लड़की और लड़के ही हाथ पकड़ के चल सकते हैं जैसे कि लड़के लड़के मेरे फजलू ने हाथ पकड़ लिया ना तो अलग घूरेंगे दस लोग के गे जा रहे हैं गे ऐसा मानना है यहाँ के लोगों का लड़की भी पकड़ सकती है लेकिन लड़के नहीं पकड़ सकते यहाँ पर क्योंकि इन लोगों को पता ही नहीं भाई दोस्ती को मतलब कि शुरू से ऐसा कल्चर है ना ऐसा सिस्टम अपने इंडिया में कि शुरू से जैसे कि स्कूल में आए तो लड़कियों की लाइन अलग लग रही है लड़कों की लाइन अलग लग रही है तो वो थोड़ा डिस्टेंस हो जाता है अपने लड़के अलग रहते हैं लड़की अलग रहती है इंडिया के हिसाब से नहीं ऐसा नहीं है कि यहाँ लड़के लड़कियों की मिक्स क्लासेस होती है तो वो सही सिस्टम इधर रह जाता तो शुरू से ही अपन को ऐसा माइंडसेट होता है कि यार लड़के लड़के अलग है लड़की लड़की अलग है तो बिल्कुल यहाँ पर ऐसा सीन नहीं है यहाँ पर लड़के लड़के अगर तुमको घूमते भी मिल गए ना इंडिया की बातों को क्या ही समझेंगे क्या ही दोस्तियों को समझेंगे इसलिए भी एक थोड़ा वो है बिल्कुल ही अजीब सा ही लगता है कि हम यहाँ पर हाथ वाथ पकड़ के वैसे इजीली चलते नहीं है क्योंकि साले लोग घूरने लग जाते हैं ये गे जा रहे हैं क्या गे दो लड़के ऐसे चल दिए ना बिल्कुल वे समझते हैं। एक और पॉइंट ये कि इंडिया में अपन नॉर्मली जो पर्स रखते हैं जो वैसे कि जेब में रखते हैं या फिर पीछे के में रखते हैं और या फिर कोई बैग लटकाते हैं यहाँ पर ऐसा नहीं है यहाँ पर तुम नॉर्मली लोगों को देखोगे तो ऐसे नॉर्मल पर्स नहीं रखते जैसे कि मैं दिखा देता हूँ एक मिनट है वैसे तो खैर इंडिया के लोग जानते हैं पर्स क्या होता है ये पर्स है ऐसे अपन रखते हैं ना तो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं रखते हैं यहाँ पर कैसा रखते हैं पर्स भाई साहब वो रखते हैं ये छोटा सा पर्स होगा जैसे कि एयरपोर्ट वाला जैसे मैं दिखा दूंगा यहाँ पर लोग ऐसा पर्स लटका के चलते हैं कम से कम 80-90% लोग यहाँ पर यही वाला पर्स यूज़ करते हैं इसमें फ़ोन वोन वगैरह जो भी है सब कुछ लेके चलते हैं जो कि वियर्डेस्ट थिंग बनाती है इस चीज़ को इंडिया में तो ऐसा किसी ने देखा नहीं कि साले लटका के ऐसे साइड वाला चलते हैं उसमें सब कुछ रख देते हैं। एक और चीज़ है जो कि इंडिया से बिल्कुल यहाँ पर अलग है जैसे कि अपन रोड पे गाड़ी चला रहे हो फोर व्हीलर हो टू व्हीलर हो तो क्या है कि थोड़ी सी भी टच हो जाए तो कुछ भी हो जाए तो भाई साहब उतर के एक जो गाली गलौज होती है इंडिया में पता ही भभक जाते हैं कि ये साला मेरी गाड़ी के कैसे लगाई तूने ये साला कैसे लगाई यहाँ पर यहाँ पर हमको 6 साल हो गई मैंने अब तक ये बात नोटिस नहीं की है जो कि वियर्डी लगती है इंडियंस को तो कि यहाँ पे जो अगर तुम गाड़ी टच भी हो जाएगी ना दोनों ड्राइवर निकलेंगे सलाम वालेकुम दोनों हाथ मिलाएंगे और आराम से प्यार से बात करते हैं कि भाई तुम्हारी गाड़ी में कितना नुकसान आया कितना नहीं आया आया भी या नहीं आया तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं वो पूरा मामला सुलझाते हैं। इंडिया की तरह नहीं है गाली गलौज और वही थप्पड़ याद ये शुरू हो गए साले धक्का मुक्की हो गई साली बिल्कुल ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर मतलब बहुत प्यार से बात करते हैं चाहे तुम रोड पर चल रहे हो या कुछ भी चल रहे हो लड़ाई वड़ाई यहाँ पे बिल्कुल देख ही नहीं जाते हमने 6 साल में हो गई एक आध देव देखी हो तो देखियो रोड पर रोड रेस तो बिल्कुल ही नहीं देखा यहाँ पे। और हाँ एक और पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो इंडिया में क्या होता है कि जैसे 18-19 साल के हो गए लड़के 17-18 साल के हो गए तो अभी भी माँ बाप के पैसों पर पढ़ रहे हैं आराम से कमाने वमाने का नहीं है आराम से जब ज़्यादा ही हो जाते हैं जब खुद को लगता है कि यार अब कमाना शुरू कर देना चाहिए जॉब शुरू कर देना चाहिए तो तभी करते हैं यहाँ पर ऐसा बिल्कुल अलग है यहाँ पर तुमने 10वीं 12वीं पास कर ली मतलब 18 साल के हो गए ना तुम 16-17-18 साल के तो खुद भी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं मतलब घर वालों से पैसे नहीं लेते कि यार तुम हमको पैसे दो और पढ़ाओ हमको यहाँ पर जॉब करना शुरू कर दे चाहे तुम कैफे में कर दो और रेस्टोरेंट में वगैरह वगैरह बहुत सारी छोटी मोटी तो 10-15 हज़ार में यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब शुरू कर देते हैं ये कि बिल्कुल इंडिया से अलग बनाती है चीज़ें। एक और ऐसी चीज़ जो इंडिया से बिल्कुल अलग लगती है यहाँ पर वो है न्यूज़पेपर। या इंडिया में क्या होता है कि अपने इतना बड़ी कंट्री इतनी डेमोक्रेटिक कंट्री है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग लैंग्वेज के अखबार आते हैं अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरीके से अखबार आते हैं जैसे कि अमर उजाला वगैरह वगैरह जो भी आते हैं इंग्लिश हिंदी गुजराती मराठी जो भी आते हों
तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे क्या है कि भैया तुमको रोजाना अखबार आते नहीं है, कोई अखबार पढ़ता ही नहीं देखा हमने, तो अखबार आते हैं वीकली आते हैं, यहाँ पे हफ्ते सप्ते में एक बार आएगा, वो भी किताब के जैसे, ज़्यादा बड़ा नहीं आता, छोटा मोटा सा अखबार आता है, उसमें भी पूरी हफ्ते की न्यूज़ डाल देते हैं जो भी है इंपॉर्टेंट वगैरह, ऐसे इंडिया की तरह नहीं आते। और हाँ, जो भी अखबार यहाँ पे आते हैं वो घरों पे नहीं आते, जैसे कि शायद वो कैफ़े वगैरह या नरोदनी मैगज़ीन, इन पे लटकाए जाते हैं, जो कि अगर कोई इंटरेस्ट हो किताब की तरह, मैगज़ीन की तरह यूज़ करते हैं यहाँ पे, जो कि हमको बिल्कुल बात अलग लगी। द लास्ट पॉइंट, ये बहुत ज़्यादा हमको बहुत ही ज़्यादा अटपटा लगा एज ए इंडियन। अपने इंडिया में क्या होता है ना कि जैसे कोई गेस्ट आ गए अपने, तो उनके बहुत मज़ा आता है कि जैसे उनके साथ उठना बैठना, खाना पीना खाना, बातें करना, चाय वाय ये सब वगैरह वगैरह। यहाँ पर बिल्कुल भी बिल्कुल ऐसा सिस्टम है ही नहीं। हमारी क्लास लगी थी 3-4 दिन पहले, टीचर था मेडिकल लोग का, तो उन्होंने भाई साहब इंडिया की बातें शेयर हो रही थी, यहाँ की बातें शेयर हो रही थी, हमको एक ऐसी बातें पता लगी कि जो बिल्कुल ही तुमको भी चौंका देगी, जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी आज तक ये शायद पता नहीं हुआ, हमको भी चौंका दी, 6 साल में पता नहीं था हमको। यहाँ पर जो गेस्ट आते हैं, अगर मैं यहाँ पर लोकल रह रहा हूँ, अगर मेरे गेस्ट आते हैं तो मैं उनको यहाँ पर ठहरने नहीं देता मेरे घर पर, जैसे कि अपने इंडिया में होता है चद्दर बिछा देते भैया तुम इस कमरे में लेट जाओ, उस कमरे में लेट जाओ, या बिल्कुल ऐसा सिस्टम नहीं है। गेस्ट आते हम उनको बोलते हैं कि भैया तुम अपने पैसा खर्च करके तुम अपना वो रेस्टोरेंट बुक कर लो, होटल बुक कर लो, उसमें रहो, हम तुमको अलाउ नहीं करेंगे यहाँ पर घर पर रहना। यहाँ पर गेस्टों को अलाउ नहीं करते घर में रहने के लिए, पता नहीं क्यों जैसा भी सिस्टम है। हमने पूछा टीचर से कि ऐसा क्या सिस्टम है, ऐसे ज़्यादा प्रेम भाव नहीं है कि तुम्हारे जैसे मामा फूफी के आ गए, उनको भगा दिया कि साले घर में नहीं रहने देंगे। तो बोला है कि ऐसा हमारे इधर से अलग सिस्टम है, हम ये मानते हैं कि उनके लिए कौन ही खाना पकाएगा, कौन ही एडजस्ट करना पड़ेगा, सुबह बर्तन धो, शाम को पूरी रात खाना पकाओ, इससे बढ़िया है कि उनको तुम सिंपली बोल दो कि भैया तुम होटल में जाकर रह लो, हमसे नहीं खर्चा हो पाएगा। मैंने यार ये तो गजब बेदी, वो ही बात हुई, हम तो साला जो घर परिवार के आते हैं, मामा फूफी के आते हैं, उनको अगर बोझ समझने लगे तो ऐसे तो गलत बात है। मैंने इंडिया में तो हमने ये भी कहा कि बोलते कि तुम ऐसे क्यों जाते हो, क्यों बुलाते हो, मैंने कहा हम भी तो जाते हैं किसी के मेहमान बन के, हमको कोई बोलेगा ऐसे कि होटल में जाकर रह लो तो हमको कैसा बुरा लगेगा, ये बात है। यहाँ पे बिल्कुल ये सिस्टम अलग है। तो ये थी बहुत सारी, मतलब 8-10 चीज़ें मैंने तुमको बताई जो कि इंडिया से बिल्कुल अलग करती है, जो कि वियर्डेस्ट थिंग हमको यहाँ पे लगी है। अगर तुमको और भी कोई चीज़ें लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये था हमारा सिस्टम, छोटी सी वीडियो बनाई हमने, सोची कि बहुत दिनों से ऑनलाइन नहीं आया तो बता दूँ व्यूअर्स को। तो ये सिस्टम, फजलू का भैया रोज़ा चल रहा है आजकल, यूट्यूब फैमिली भाई साहब, फजलू को मैंने 10-15 मिनट बनाया, मैंने फजलू यार कैमरा पकड़ ले, कैमरा नहीं पकड़ा इसने, इसलिए फजलू नहीं पकड़ा, इधर घुमाम बताएं फजलू को सब लोग पकड़ लो, अभी तो पकड़ लेते हैं, उसके बाद जब वीडियो बनती है तो 10-10 मिनट गाली खाते हैं, ये एंगल सही नहीं है, वो एंगल सही नहीं है, वो अलग तरीका आ रहा है, नहीं 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 कोई बात नहीं तो ठीक है। अगर तुमको ऐसा लगता है कि फजलू ने गलत काम किया तो इसमें उसको तुम गलत गाली वाली लिख सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, नई वो शर्ट पहनाए थे, हाँ शर्ट पहन, अच्छा एक बात भाई इसकी कंपनी बता दे यार, वैन हुसैन के भाई 5,000 की शर्ट बोल रहा है, इनको सूट की शर्ट है मेरी, और साले रहने दे, वो आदमी नहीं बताऊंगा इधर रहने दे। तो ये सिस्टम, अगली वीडियो में मिलते हैं नए कंटेंट के साथ में, ठीक है। फिर 10 विदानियां, राम राम।